कितनी मौतें भई हैं। अरे भगवान, ऐसा कबूल ना देखो, ऐसा कबूल ना देखो। नहीं दरी है लात पे लात, और सही मरी दरी चकरी दिख रही, मतलब ये निरी मर गई। मैंने कहा भैया जी कहा है गौरे सगौरे हॉस्पिटल में, देखते देखते तब ढूंढ पाई है जी हमने। मैंने कही मैंने कहा मत जाए तू, मैंने कहे कल परसों गई, मैंने कहा मत जाए तो सवेरे हूँ त्या काम करवाया हो काम धंधो अब हूँ जाए रहूँ। मैंने कहा मान जा मत जाए, मैंने फिर चली दस पंद्रह पीछे तो तुम ना जा तो कबू तुम तो घरे बैठे रहो। बिटिया तो मेरे घरे पहुंच गई, सुरक्षित तो पहुंच गई, वो अलग अलग दूसरी गाड़ी में आई। हाथरस में 2 जुलाई की शाम को फुलरिया गांव यहां पर एक है जहां पर एक बड़ी दुखद घटना होती है। सत्संग में भगदड़ के दौरान करीब 116 लोगों की अब तक का जो अपडेट है बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है और कई घायल हो चुके हैं। कई सारे परिजन हैं जो उनके अपने हैं उन्होंने खो दिया है, कई सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे में जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए थे, सिर्फ यहाँ पर हाथरस ही नहीं आसपास के जो राज्य हैं आसपास के जो और भी सिटीज़ हैं वहाँ से भी लोग आए हुए थे यहाँ पर। एक ताऊ जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेहताब सिंह। मेहताब जी कहाँ से आप? आगरा के पास गांव हमारा रैनकला। रैनकला से वहाँ गांव से कौन था यहाँ पे सत्संग में आपका, कौन आया था? हमारी पत्नी आई। पत्नी कहाँ है वो अभी? वो ले गए इंद्रस में। क्या है मतलब घायल हैं या क्या? मतलब खत्म हो गई। क्या उम्र थी? 50 वर्ष की उम्र थी। 50 वर्ष की। आपको खबर कैसे लगी? मतलब फोन करो काऊ ने तो यहाँ एक्सीडेंट है गा, सो एक जनी तो खत्म है, फिर नाम की ना पता को खत्म है गई है, सो ही हम भाग गया। कहाँ से फोन आओ तो आपके पास? यहीं से काउ ने, मतलब वो आई वो इको गाड़ी। इको गाड़ी हाँ, भाई ने फोन करो तो कहे यहाँ हादसा आएगा वो, सो कहे एक तो खत्म है गई और दो जो का है हॉस्पिटल में भर्ती है, सो ही हम बाजे चले आए। क्या होगा भैया, अकेले आई थी का? हाँ दो जनी और रही संग, तीनों ही खत्म है गई, तीनों खत्म है गई। दो और को हती? दो, एक हमारी बहन लगती गाँव की और एक चाची लगती। बहन चाची और आपकी पत्नी? पत्नी हाँ, तीनों खत्म है। क्या बोलेंगे आप ऐसे जो बाबा लोग इनके लिए? बाबा की ढोंगी है, कोई बाबा पावा ना, अगर बाबा भगवान होते तो काबू हादसा ही नहीं हो तो सब ढोंगी है जो बाबा पावा का छू ना आते। कितनी मौतें भई हैं, अरे भगवान ऐसा कबूल ना देखो, ऐसा कबूल ना देखो। नहीं धरी है लात पे लात। आप जब आए सबसे पहले का देखो आपने? मैं तो ये मतलब और सही मरी दरी चकरी दिख रही, मतलब ये निरी मर गई। मैंने कहा भैया जी कहा है गौरे सगौरे हॉस्पिटल में, देखते देखते तब ढूंढ पाई है जी हमने। माँ अलीगढ़ डोले बकरे और माँ जो कहा देख करे, माँ सत्संग वो ताम देख करे, फिर यहाँ आके ढूंढ पाई है हमने। हमने सुनिया आप मना कर रहे थे मैं ना जावे के लाने, मतलब इतने पे, बट फिर भी आ गई। मैंने कही मैंने कहा मत जाए तू, मैंने कहे कल परसों गई, मैंने कहा मत जाए तो सवेरे हूँ त्या काम करवाया हो काम धंधो अब हूँ जा रहा हूँ। मैंने कहा मान जा मत जाए, मैंने फिर चली दस पंद्रह पीछे तो तुम ना जा तो कबूँ तुम तो घरे बैठे रहो, और मैंने कोई ना संग ले गो ना कभी ले जाए हूँ तो जाऊँ। तो मैंने भैया जा मोड़ा मो पे राय पर होकर मत तुम कहा। बाबा को कब से फॉलो करती, मतलब कब से प्रशंसक थी ये? मतलब छः साल से जा रही है। हाँ आप नहीं मानते हो? हाँ नहीं मैं ज़्यादा तंग इलाह पर तो रुक जाती, सुबह हूँ इलाह पर मोड़ा हूँ मेरे बेटा मान के पापा तुम कहाँ मत करो जान दो तई ऊपर चुप है। मैंने बबर को बेटा है, मैंने कहा शादी शुदा, मैंने कहा ये कह रहा हो तो मैं जान दो तई चुप करो, मैं ना ही करी मत जाए। मैंने कहा सो मुझे चैंटबाजी है गई तई ऊपर चुप पर गो, फिर मैं ना मानी तो चली जाए, फिर और क्या करूँ। का मनोस्थिति है जब ऐसी घटना होत है, अपने चले जाते हैं, आपका कैसे जाने देंगे किसी को? नहीं जाने, मेरी बिटिया आई मेरी बड़ी बिटिया तो मेरे घर पहुँच गई, सुरक्षित तो पहुँच गई, वो अलग अलग दूसरी गाड़ी में आई। हाँ वो दूसरी गाड़ी में आई, सुबह तो चली गई, सेवादान ने बना दी है वो मेरी बिटिया। अब नहीं आ बोल सरकार की तरफ से सुविधा वगैरह? अब माल में ना काम मिलेगा मैडम जी, हमें ना पता कुछ मिलेगा को नहीं मिलेगा का पतो है। ध्यान रखिए क्या करें, कुछ मिलेगा का नहीं मिलेगा। अभी तो मोदी योगी जाने कभी दिब्बा देंगे तो दिब्बा देंगे, नहीं का है रहा पाई रहे सुबह योगी सीएम योगी जी आ रहे हैं। हाँ क्या करें अब।
ये देखिए कई सारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया हुआ है, और जो दर्द है वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों में बयां उतना बेहतर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शॉक्ड है, वो एक सदमे में है, क्योंकि एकदम से इतनी सारे शब्द देखना ये कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब एक मनोस्थिति इस दौरान कर देता है जब इतनी सारी लाशें आप एकदम से सामने देखते हैं, क्योंकि किसी ने भी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी, अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि कोई सत्संग में जाएगा और सत्संग में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। खैर अभी सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम जो यहाँ पर लाशें हैं उनका पोस्टमार्टम हो और जहाँ मतलब यथास्थान वो पहुँची और तमाम सुविधाएं सरकार देने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली जो उनकी प्राथमिकता है वो यही है कि जो मरीज़ हैं यहाँ पर, जो परिजन हैं, उन सभी को सुविधा हो और जो इनका इलाज है ने बेहतर से बेहतर यहाँ पर मिले। और यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर कल पहुँचने वाले हैं, और फिलहाल यहाँ पर अस्पताल में तमाम जो परिजन हैं, मरीज हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। यूपी तक के लिए हाथरस से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।